तो प्रभु राम की नगरी अयोध्या सज रही है और सबसे खास बात यह है कि प्राण प्रतिष्ठा के लिए जो तैयारी मंदिर की चल रही है वो भव्य मंदिर का निर्माण कार्य भी अपने आखिरी स्टेज तक पहुंचने की तैयारी में। लेकिन इस बीच में आज तक आप आएंगे प्रभु के दर्शन करेंगे, लेकिन आज तक आपने उन द्वारों को नहीं देखा, उन दरवाजों को नहीं देखा जिसमें प्रभु के मंदिर के वो जो पट खुलेंगे तो फिर आप प्रभु के दर्शन करेंगे। इसलिए आज न्यूज नेशन आपके लिए वो खास दरवाजे लेकर आया। इसकी अहमियत क्या है ये मैं आपको बताऊंगा, लेकिन ये मैं उसी कारखाने में हूँ जहाँ पे मंदिर के लिए दरवाजे तैयार हो रहे हैं, गर्भगृह के दरवाजे यहीं बन रहे हैं। और इन लकड़ियों की क्या खासियत है, क्या इसके पीछे कितनी मेहनत लग रही है, ये भी मैं आपको दिखाऊंगा और बताऊंगा। लेकिन आज सबसे पहले उन दरवाजों की एक झलक आपको दिखाते हैं और इसे बनाने में कितना वक्त लग रहा है, कितनी मेहनत लग रही है और ये कौन बना रहा है ये भी मैं बताऊंगा। ये वो दरवाजे हैं जो तैयार होंगे सागवान की लकड़ी के, और इनकी मोटाई आप देख सकते हैं, थिकनेस देख सकते हैं और इनकी लंबाई भी आप देख सकते हैं। इन सब दरवाजों में खासा मेहनत लगा है और इस पे खास तरह से कलाकारी भी की गई है, इनकी आकृतियाँ उकेरी गई हैं। इन सब के ऊपर मैं आपको बताऊंगा कि दरवाजे यहाँ पे लगे हैं, और इसमें एक दरवाज़ा ऐसा है जो प्रभु राम के गर्भगृह का दरवाज़ा है। वो दरवाज़ा कौन सा है थोड़ा सा इंतज़ार कीजिए। इस वक्त हमारे साथ अनुराधा टिम्बर इंटरनेशनल के ऑनर मौजूद हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका शरद जी। तो ये तैयारी देख रहा हूँ हैदराबाद से यहाँ पर आके ये वर्कशॉप तैयार करना और प्रभु राम के लिए लगातार कार्य चलता रह रहा है रात और दिन, कितना वक्त हो गया? हम लोग ये काम जून में शुरू किया था, अभी तक हम लोग मेन गर्भगुड़ी और सेंटर पैड, साइड पैड, ग्राउंड फ्लोर का डोर्स कंप्लीट किया। अभी जो काम चल रहा है बाहर का परकोटा और ये सब का काम अभी चल रहा है, और ये पूरा डोर्स हम लोग बलारशा से ले के आया, टिम्बर इज़ फ्रॉम बलारशा, और इसको हम लोग बहुत चुन चुन के हाई क्वालिटी मटेरियल यूज़ किया इसमें। अच्छा, तो चलिए एक बार दरवाजे को भी देखते हैं, उस डोर्स को देखते हैं। सबसे पहले मैं इस तरफ दिखाता हूँ। अच्छा, सबसे पहले उस तरफ। हाँ, ये कौन सा डोर है हमारे दर्शकों को सबसे पहले इसी के बारे में? ये गर्भगुड़ी का मेन डोर है। अच्छा, ये गर्भगृह का मेन डोर है, यानी ये दरवाजा है जहाँ प्रभु राम का गर्भगृह होगा। यही वो दरवाजा है जो तैयार हो रहा है, ये वो दरवाजा है, इसमें जो कलाकृतियाँ उकेरी गई है उसके बारे में भी। ये है पूरा 8 फीट लंबा, 12 फीट विड्थ, ये एक पैनल है, ऐसा 4 पैनल आएगा, 12 फीट विड्थ का ये फोल्डिंग डोर आएगा। जब ज़्यादा लोग आएंगे दर्शन करने के लिए, हम लोग विड्थ फोल्डिंग का सिस्टम से बनाया तो लोग ठीक से देख सके, मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल कैन सी एट द सेम टाइम। और ये जो है नगारी स्टाइल का कार्विंग है, और बहुत डिटेल्ड फाइन कार्विंग हमने किया इसमें, ये मयूरम बोलते हैं, और इसका डिटेल हमने हाथ से किया। और ये गर्भगुड़ी डोर के लिए कम से कम हमको 2 से 3 महीना टाइम लगा ये बनाने में, ये दरवाजे के लिए हाथ से किया पूरा काम। और कहीं भी मशीन का इस्तेमाल नहीं है इसमें, नहीं है मशीन का इस्तेमाल नहीं है, पूरा हाथ से कारीगर, ये कारीगर जो भी होता है मशीन से नहीं होता, ये पूरा हाथ से बनाया है। ये कारीगर भी आपके साथ जो आपके हैदराबाद से? हम पूरा लेके आए हैं वहाँ से, ये पूरा कारीगर लोग हैं, कन्याकुमारी से हैं और महाबलीपुरम से हैं, और हमारा कंपनी है अनुराधा टिम्बर हैदराबाद से है। हम बहुत मंदिर का काम किया है हैदराबाद, तेलंगाना में यादाद्री टेम्पल में भी बहुत बड़े डोर्स हमने बनाया, अभी राष्ट्रपति जी के लिए भी हम लोग एक बड़ा फ्लैग पोस्ट बना रहा है, उसका इनॉग्रेशन भी यही महीना में है। अच्छा, लकड़ी कौन सी है और इसकी उम्र कितनी होगी, ये दरवाज़ा जो बना रहे हैं? और हम मिनिमम 100 साल के ऊपर वाला उम्र वाला लॉक से हमने ये लकड़ी लिया था, और बहुत सेलेक्टेड मटेरियल, आप ये देखिए, देर आर नो एनी इनविजिबल डिफेक्ट्स, कोई डिफेक्ट नहीं है इसमें, पूरा साफ लकड़ी है एंड हाई क्वालिटी मटेरियल ली हमने, चुन चुन के यूज़ किया, और 1000 साल तक इसको कुछ नहीं होने जैसा हम लोग प्रिपेयर कर रहे हैं। अच्छा, इसके ऊपर फिर ताम्र पर चढ़ेगा, इसके ऊपर पूरा गोल्ड चढ़ेगा, पहले कॉपर उसके बाद गोल्ड, कॉपर प्लेटिंग होगा उसके ऊपर, गोल्ड प्लेटिंग हो जाएगा। अच्छा, तो ये आपका टीवी के लिए एक्सक्लूसिव है,
दरवाजे के अंदर कैसा दिखेगा ये अभी दिख रहा है, बाद में ये पूरा गोल्ड हो जाएगा। ये मतलब न्यूज़ नेशन के दर्शक ये देख लें कि ये लकड़ी की जो क्राफ्टिंग की गई है, डिज़ाइनिंग की गई है, ये दरवाज़ा अभी ऐसा दिख रहा है और इसके ऊपर एक लेयर तांबे का चढ़ेगा और उसके ऊपर फिर सोने का एक परत उसके ऊपर चढ़ेगा और उसके बाद ये दरवाज़ा बनकर तैयार होगा जो प्रभु राम के गर्भगृह में होगा। और सोने का, तांबे का तो यहीं पे काम हो रहा है, तांबे का लेयर तो यहीं चढ़ रहा है, लेकिन सोने का कार्य वापस तांबा चढ़ने के बाद दिल्ली में होगा और वहाँ से फिर डोज बनकर यहाँ आएंगे। चलिए मैं और कुछ दरवाजे जो मैं देख रहा हूँ उनको भी एक बार मैं आपसे समझता हूँ कि ये दरवाजे कहाँ हैं, क्योंकि ये कहाँ लगेंगे, ये जो हम देख रहे हैं हाथी ये सेंटर पैड में लगेगा। सेंटर पैड, हाँ, और ये भी 8 फीट लंबा है, 5 फीट विड्थ है, 5 फुट विड्थ। जो मंदिर है वो तो ऑक्टागनल शेप है। हाँ, ये मंदिर ये पूरा ऑक्टागनल शेप में है और शिखर जो है वो राउंड शेप में है। अलग अलग शेप में जो भी है उसके हिसाब से हमने एज पर आर्किटेक्ट ने दिया सोमपुरा जी, ये डिज़ाइन बहुत साल पुराना है, ऑलरेडी बन के है हर चीज़ का, वही हम लोग अभी वो उनका ड्राइंग के हिसाब से हमने ये पूरा बनाया। ये जो नक्काशी उकेरी गई है ये तय कहाँ से हुआ, ये आपने खुद से ये रखा कि हम इस पे ऐसी नक्काशी उकेरेंगे या फिर राम जन्मभूमि ट्रस्ट की तरफ से मांगा गया कि हम ऐसा कुछ चाहते हैं प्रभु राम के लिए? ट्रस्ट ने हमने स्केचेस दिया था, उसको हमने इम्प्लीमेंट किया और इम्प्रोवाइज किया। उसकी भी कुछ पौराणिक मान्यताएँ हैं जो है, ये पूरा पूरा नगारा स्टाइल का आर्किटेक्चर है ये, वो ये सब पुराना स्टाइल का ही काम है। ये मतलब आपका सेंट्रल डोर हो गया। अच्छा, इसके बाद एक ये बगल में मैं डोर देख रहा हूँ, ये लकड़ी का जो ये दरवाज़ा दिख रहा है ये ऑलमोस्ट जो फिनिशिंग वर्क होगा, गर्भगृह डोर भी इसी तरह से फिनिशिंग वर्क में आएगा मुझे लगता है, इसके ऊपर पॉलिश वगैरह सब कुछ हो चुका है, पॉलिश वगैरह सब कुछ हो चुके ना? हाँ, एक कोट हुआ है और भी हो रहा है, ये अभी पॉलिशिंग का बीच में है प्रोसेस, ये पॉलिश का काम के लिए हम लोग अभी तैयारी कर रहे हैं। मतलब ये प्रोसेस में है, मतलब फाइनल स्टेज की तरफ ऐसे कुछ नज़र आने लगेगा और इसके ऊपर फिर तांब, ये दरवाज़ा भी मंदिर के उस पे लगना है, ये कौन से डोर पे है? ये साइड पैड डोर, ये साइड पैड। अच्छा, वो जो हमने देखा था वो सेंट्रल पैड था, सबसे पहले हमने गर्भगृह का दरवाजा दिखाया और ये साइड पैड से। इसके पीछे ये पूरा हाथी है और ये पूरा ये जाली है, ये सब ड्राइंग के हिसाब से हमने बनाया, ये भी पूरा हाथ से ही बना। यानी ये जितने भी दरवाजे दिख रहे हैं ये भी साइड पैनल का डोर। अच्छा, ये मंदिर में अलग अलग जगह अलग अलग लोकेशन पे पूरा डोर्स जो भी है हम ही बना रहे हैं। कितने वर्षों से ये लकड़ी का कार्य करने में का अनुभव है आपको? मैं 4th जनरेशन हूँ, कम से कम 125 साल से हमारा फैमिली यही बिजनेस में है और हम लोग ये स्पेशलाइजेशन है आई कि हम लोग ऐसा काम करने में टोटल एक्सपीरियंस हमारा इसमें है। प्रभु राम का ये सौभाग्य ही मानते होंगे कि ये काम करने का मौका मिला, आप आंध्रा से उठकर यहाँ आए अयोध्या में रह के आपके कारीगर कार्य कर रहे हैं, ये सफ़र कैसे रहा? अनबिलीवेबल एक्सपीरियंस है वो, जब वो सोचते हैं हम ये काम कर रहे हैं इट इज़ अ वेरी वेरी ओवरवेलमिंग एक्सपीरियंस, ये इट इज़ वेरी, इसको आप बोलते हैं ये लाइफ टाइम में एक ही अपॉर्चुनिटी ऐसा आता है। तो 22 जनवरी से पहले सारे दरवाजे बन जाएंगे और भी, चूंकि मैं रेडी हो गया हम लोग, बाकी पत्थर हो गया तो हम इंस्टॉल कर देंगे, एक बार इंस्टॉल करके लाके लेके आया। अच्छा, इंस्टॉल करके सब चेक करके। अच्छा, ये जो मैं अभी देख रहा हूँ ये जो हिस्सा अभी दिख रहा है ये मुझे लगता है इंस्टॉलेशन प्रोसेस ही हुआ होगा, आपने दरवाजा फिट करके ये देखा, ये पीतल है ना? ब्रास। अच्छा, ये ब्रास हिंजेस है, इस पे आपने वहाँ पे क्लैंप पे लगाकर इसको चेक किया? ऑलरेडी चेक करके हम लोग ड्राई फिटिंग करके लेके आया, फिर इसके ऊपर सोना चढ़ने के बाद फिर जाके हम लोग फिटिंग करेंगे। ये लकड़ियाँ भी आप आंध्र प्रदेश से लेकर आए? महाराष्ट्र से। तो ये सारे लकड़ियाँ ये जो आपका वर्कशॉप में देख पा रहा हूँ अभी भी काम चल रहा है, तो ये डोज के अलावा अभी काम चलता रहेगा या फिर कुछ और भी इस पे काम? इस पे अभी देखिए, हम लोग पूरा ग्राउंड फ्लोर का तैयारी किया, ये पूरा फर्स्ट फ्लोर का मटेरियल है,
अभी जो भी अंदर है, फर्स्ट फ्लोर का है, परकोटा का है, साइड डोर्स का है, सेंटर पैड्स का है, ये नेक्स्ट फ्लोर का मटेरियल का काम अभी शुरू कर रहे हैं। तो मतलब 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा होगी, उसके बाद भी उसका काम रेडी हो गया, उसके बाद भी ये वर्कशॉप चालू रहेगा और ये काम चलता रहेगा ऊपर। अच्छा, कितने वर्कर्स आपके यहाँ पे लगे हुए हैं टोटल? इसमें डायरेक्टली इनडायरेक्टली इन्वॉल्व नियरली 100 पीपल इन्वॉल्व है। अभी काम रेडी हो गया तो अभी कम है, बट जब चाहिए तब आ जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। न्यूज़ नेशन के दर्शकों को आपने दर्शन करवा दिया प्रभु राम के गर्भगृह के उस दरवाजे का, जो अपने आप में अद्भुत है। और ख़ास बात ये भी है कि इस पर अभी ताम्र चढ़ना है, इसके ऊपर फिर स्वर्ण चढ़ना है, उससे पहले सागवान की लकड़ी में जिस तरह से ये दरवाज़ा तैयार हुआ वो भी आपने देख लिया। बहुत बहुत शुक्रिया।